नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में, और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई एग्ज़ाम हो या UP SSC का कोई एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ामों में उत्तर प्रदेश का GK और करंट अफेयर्स के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है अरिहंत पब्लिकेशन की उत्तर प्रदेश नो योर स्टेट। दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही दिक्कत है इंग्लिश में उत्तर प्रदेश की बुक्स की, तो हम आपके लिए लेके आए हैं ये अरिहंत पब्लिकेशन की नो योर स्टेट उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस बुक में उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी दी हुई है, और ये दोस्तों हाईली यूजफुल फॉर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के एग्ज़ामों के लिए बहुत यूजफुल है, एंड अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम और दूसरे भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी में, लेखपाल के, राजस्व निरीक्षक के, या और दूसरी यूपी की वैकेंसियां हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, SI के, कांस्टेबल के, उन सब के लिए बहुत यूजफुल है। देख लेते हैं दोस्तों कि कंटेंट क्या है इसका, इसकी विषय सूची देख लेते हैं। ये देखें इनसाइड द बुक, इसका कंटेंट चेक कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, फेमस यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश इस तरह से दिया है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ उत्तर प्रदेश, क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश, रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, एग्रीकल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, इरीगेशन इन उत्तर प्रदेश, एनिमल हस्बेंड्री इन उत्तर प्रदेश, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, एनर्जी रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अंदर जो सब टॉपिक है वो मैं आपको ऐसे जूम करके दिखाता जा रहा हूँ, और मेन टॉपिक जो है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, कम्युनिकेशन इन उत्तर प्रदेश, फॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, जुडिशियरी ऑफ उत्तर प्रदेश, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें दोस्तों ये देखें आप, आगरा डिवीजन, अलीगढ़ डिवीजन, प्रयागराज डिवीजन, आजमगढ़ डिवीजन, बरेली डिवीजन, बस्ती डिवीजन, चित्रकूट धाम डिवीजन, देवीपाटन डिवीजन, अयोध्या डिवीजन, इस तरह से आप देखें, और भी बहुत सारे, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, जितने भी मंडल हैं ये सारे के बारे में डिटेल दी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है हिस्टोरिकल एंड अदर टूरिस्ट प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश, रिलीजियस एंड अदर टूरिस्ट प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें दोस्तों अयोध्या, फरुखाबाद, हापुड़, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मेरठ, मथुरा, प्रयागराज, सीतापुर, उन्नाव, वाराणसी, इन जिलों के बारे में दिया हुआ है। ये रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, इनका डिटेल दिया हुआ है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ उत्तर प्रदेश, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, म्यूजिक एंड डांस इन उत्तर प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, म्यूजिक एंड डांस ऑफ इन उत्तर प्रदेश। तो इसके अंतर्गत दिया है देखें आप, म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश, फेमस म्यूजिक, घरानाज ऑफ उत्तर प्रदेश, फेमस फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, फेमस डांसेज इन उत्तर प्रदेश, फोक ड्रामा एंड थिएट्रिकल आर्ट्स, फेमस आर्टिस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, फेमस कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला टॉपिक है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मेले और त्यौहार हैं जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगते हैं। इसके बाद है एजुकेशन एंड हेल्थ इन उत्तर प्रदेश, स्पोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश, कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप देखेंगे इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना जरूरी है अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देना है आपको। सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सोशल वेलफेयर स्कीम में देखें आप, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम ऑफ ओल्ड एज पीपल, स्कीम ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, वेलफेयर स्कीम रिलेटेड टू स्पेशल कैटेगरीज, शादी एंड बीमारी योजना, मैरिज एंड इलनेस स्कीम, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम, लेबर वेलफेयर स्कीम और मिसलेनियस स्कीम्स। इसके बाद दोस्तों ये करंट अफेयर्स भी दिए हैं लास्ट में, तो इस तरह से आपका पूरा उत्तर प्रदेश तैयार हो जाता है, उत्तर प्रदेश की पूरी इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े एग्ज़ामों के हिसाब से, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो या UP SSC का एग्ज़ाम हो, पुलिस के एग्ज़ाम हो, इन सब के लिए आपका तैयार हो जाता है। इसके बाद देखें प्रेजेंटेशन किस तरह की है, तो सबसे पहला चैप्टर है उत्तर प्रदेश बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है उत्तर प्रदेश की, क्या एरिया है, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कैपिटल, लेंथ ऑफ स्टेट, विथ ऑफ स्टेट, क्लाइमेट ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट, रेलवे जोन, इस तरह से सब कुछ दिया है, डेमोग्राफी दिया है, ठीक है ना, फैक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, फैक्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट सिंबल्स में देखें आप, ये दिया है स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट एनिमल बारहसिंगा, तो इस तरह से ये
सिंबल्स दिए हैं, एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर है, तो इस तरह की प्रेजेंटेशन है कि हाँ सब कुछ यहाँ डिटेल से दिया हुआ है दोस्तों, बहुत डिटेल में सब कुछ दिया है, सारे टॉपिक डिटेल से कवर किए गए हैं। आप देखें अगर इस तरह से, तो फेमस रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट पीरियड, तो ये देखें डिटेल से दिया है, हर टॉपिक को डिटेल से दिया है और पॉइंट वाइज कर दिया है, जिससे कि आपको टाइम की बचत हो और पढ़ने में लर्न करने में आसानी हो। और हर चैप्टर के बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप यहाँ से अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कई एग्जामों के आए हुए भी दिए हैं, तो आपको एक अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी मिल जाता है लगाने के लिए। कोई भी चैप्टर आप देखें तो हर चैप्टर में इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं भरपूर। और ये जैसे UPPCL 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये UPPSC 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चंस भी साथ में दिए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश दिया है, ये देखें आप, तो ये लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ उत्तर प्रदेश दिया है, इस तरह से पूरा मैप दिया है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं डिटेल में और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये अगर इसकी मोटाई की बात करें बुक की, तो ये लगभग, मैं बता देता हूँ आपको, ये 388 पेज इसका लास्ट है, तो ये लगभग 400 पेज की बुक है। अगर इसकी MRP की बात करें तो 275 इसका MRP है, और ये उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू घर बैठे आप मेरे चैनल पर देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।